तो स्काई ई स्पोर्ट्स में आप लोगों को पता है हम लोग ये लैन को फ्री में नहीं देख सकते, हम लोग को पैसा लगाना पड़ेगा, वीआईपी परचेस करना पड़ेगा जो कि लोको पे होगा। 20 रुपीज का स्टार्टिंग है और ये 20 रुपीज अगर आप लोग परचेस करते हो तो ये सिर्फ 3 दिन के लिए ही होगा। मतलब आप लोग बस स्काई ई स्पोर्ट्स का ये टूर्नामेंट देख पाओगे, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। उसके अलावा और भी यहाँ पे सब्सक्रिप्शन है, मतलब 50-60 रुपया का है, उससे ज्यादा भी है। खैर यहाँ पे अगर आप लोग देखना चाहते हो तो परचेस कर लेना। इसी चीज पे शिवानंदी जो कि फाउंडर है स्काई ई स्पोर्ट्स के, वो यहाँ पे रिप्लाई करते ही बहुत सारे लोग इसको बहुत सारे गलत वे में ले रहे हैं, हेट दे रहे हैं, बक रहे हैं फालतू का, नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पे लिखते हैं, द स्पोर्ट्स इंडस्ट्री इज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन मीडिया राइट फॉर रिवेन्यू। नाउ इट्स बीन मोर देन फोर ईयर सिंस द मोबाइल ई स्पोर्ट्स बूम इन इंडिया एंड आई थिंक इट्स टाइम टू टेस्ट द वाटर इन विद द सिमिलर प्रीमियम मॉडल। Why is it time? It's because of everyone knows that every mobile esports competition in India is sponsored by one of the two streaming platform, Router ya Logo. Now it's important for them to also monetization and we want to take risk of introducing this. मतलब यहाँ पे बहुत 4 साल से ये सब चीजें नहीं किया गया था, बट ये लोग ट्राई करना चाहते हैं। क्या होगा रिजल्ट, कुछ भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। फिर लिखे, एडिशनली द मैक्सिमम टीम ओनर्स आर इन अ लॉस विद नो क्लियर वेज टू मोनेटाइज, ओनली थ्रू अनलॉकिंग न्यू रिवेन्यू स्ट्रीम्स कैन चेंज इज दिस फॉर एंटायर इंडस्ट्री। दिस इज अ डिफरेंट मॉडल बट इट्स नेसेसरी स्टेप टू इंश्योर लॉन्गेटिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ई स्पोर्ट्स। आई नो इट विल डिसअपॉइंट मैनी पीपल एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प द टीम्स प्लेयर्स इन द फ्यूचर। इफ दिस मॉडल वर्क्स देन इन अ ईयर और टू All the teams, DOs, platforms will get sustainability for any new initiative. There will be a consequences will come. We will see the response and take the feedback and work on our upcoming IPs. मतलब इस टूर्नामेंट में तो ये लोग फिक्स कर चुके हैं कि 20 रुपीज वाला ही करना पड़ेगा अगर आप लोगों को देखना है तो। और जो लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि YouTube पे स्ट्रीम हो जाएगा भाई, तो वो लोगों को सीधा स्ट्राइक मिलता है, मतलब 5-10 मिनट के अंदर ही स्ट्रीम बंद हो जाता है। खैर यहाँ पे अलग वेज है, मैं बताना नहीं चाहूंगा, छोड़ दो यार। तो अब आप लोग देख लेना, तो बहुत सारे लोग इसको परचेस करेंगे, बहुत सारे लोग इसको सपोर्ट में है कि यस यहाँ पे इंडस्ट्री के लिए ये करना जरूरी है, लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं नहीं भी, बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये एक बंदे ने लिखा कि ये सही नहीं है, नॉट गोना वर्क। तो यहाँ पे रिप्लाई करते हैं, वट इफ ऑल एसेट्यूएल एंड गॉड लाइक क्रिएटर्स स्टार्टेड स्ट्रीमिंग ऑन लोको एंड विथ मोर ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट एंड 100 ओवरऑल सब्सक्रिप्शन पर मंथ। तो यहाँ पे बोले कि अगर सोल या गॉड लाइक के क्रिएटर ये स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में स्ट्रीम चालू कर दे और वहां पे आप लोगों को परचेस करना पड़े स्ट्रीम देखने के लिए, तो क्या करोगे? तो मैं नहीं देखूंगा भाई, मेरे पास पैसा नहीं है। खैर ये आप सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, कुछ लोग क्रिटिसाइज करेंगे, कुछ लोग सपोर्ट करेंगे, खैर देखते जो भी होगा पता चल जाएगा। लेकिन मैं आपको बोलूं ये थोड़ा गलत है, क्योंकि बहुत सारे टूर्नामेंट जैसे पबजी मोबाइल का भी होता है तो वो सब हम लोग फ्री में देखते हैं। लेकिन हाँ ये भी बात है कि ये एक अनऑफिशियल टूर्नामेंट है, ऑफिशियल तो है नहीं, ऑफिशियल तो हम लोग हमेशा फ्री में ही यूट्यूब पे देखते हैं। तो भाई यहाँ पे ये अनऑफिशियल है तो कुछ भी हो सकता है, इनका मन जो ये चूज करेंगे। खैर यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, लेकिन एक धंधा यहाँ पे ये चल जाता है कि अगर ये चल गया, मतलब बहुत सारे ऑडियंस इसको परचेस किए, तो एक लत लगता है। जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जियो, जियो 4G आया, सबको फ्री में 1-2 साल चलाया, मैं भी चलाया हूँ, मुझे भी यहाँ पे तभी मैं 4G और यूट्यूब के बारे में जाना था। उसके बाद बोलो थोड़ा पैसा बढ़ाने गए, 100 रुपया, 200 रुपया, अभी 666 रुपया लगता है। अभी तो मैं वाईफाई ले चुका, अब तो वाईफाई का ट्रेंड आ चुका है, सब लोग घर में वाईफाई लगा लिए है, पर मंथ 500-600 रुपया। तो यही एक होता है बिजनेस की, यहाँ पे स्टार्टिंग करो फ्री से, फिर थोड़ा थोड़ा से स्टार्ट करो। वही मेरा डर है कि अगर यहाँ पे 20 रुपया ले रहे हैं, फिर अपकमिंग इवेंट्स में अगर ये चल गया तो 100 रुपया 200 रुपया ना कर दे। 20 रुपये चलो ये भी बहुत सारे लोग तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। खैर आप लोग इसके बारे में क्या कहना है कमेंट में बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, लाइक और सब्सक्राइब करके जाना।